गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लेटेस्ट ट्राई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्बल इज फॉर्मड ड्यू टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सैंडस्टोन। इसने बोला है बेटा मार्बल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, किसके मेटामॉर्फोसिस के कारण फॉर्म होते हैं बेटा, सैंडस्टोन के। ये स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ। तो किसकी वजह से होते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस ऑफ लाइमस्टोन की वजह से, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, लाइमस्टोन की वजह से। सेकेंड है बेटा, फ्यूमिक इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग टीथ। फ्यूमिक्स का यूज़ बेटा टीथ्स को पॉलिश करने के लिए किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कंटेन फॉसिल। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते बेटा उनके अंदर फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स क्या होते बेटा, ये जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उनका जो बेटा मटीरियल होता है ना, जब वो मर जाते हैं तो उनका बेटा क्या होता है कि वो जो बॉडी है उनकी जो डिकम्पोज होकर जो मटीरियल बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। आइग्नेस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। जो आइग्नेस रॉक है वो किसकी वजह से बनते हैं बेटा, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है या फिर लावा होता है उसकी वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये आपके बेटा लेटेस्ट ट्राई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसे फिल कर लेना। ओके, थैंक यू।